नमस्कार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर हिज होलीनेस डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब, शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमान संजय धोत्रे जी, वाइस चांसलर भाई तारिक मंसूर जी, सभी प्रोफेसर्स, स्टाफ, इस कार्यक्रम में जुड़े एएमयू के हजारों छात्र छात्राएं, एएमयू के लाखों एलुमनाई, अन्य महानुभाव और साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने एएमयू के शताब्दी समारोह के इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे अपनी खुशियों के साथ जुड़ने का मौका दिया है। मैं तस्वीरों में देख रहा था सेंचुरी गेट, सोशल साइंस डिपार्टमेंट, मास कम्युनिकेशन, तमाम विभागों की बिल्डिंग्स को खूबसूरती से सजाया गया है। ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, इनके साथ शिक्षा का जो इतिहास जुड़ा है वो भारत की अमूल्य धरोहर है। आज एएमयू से तालीम लेकर निकले सारे लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर और संस्थानों में नहीं बल्कि दुनिया के सैकड़ों देशों में छाए हुए हैं। मुझे विदेश यात्रा के दौरान अक्सर यहां के एलुमनाई मिलते हैं जो बहुत गर्व से बताते हैं कि मैं एएमयू से पढ़ा हूं। एएमयू के एलुमनाई कैंपस से अपने साथ हंसी मजाक और शेरो शायरी का एक अलग अंदाज लेकर आते हैं। वो दुनिया में कहीं भी हो भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राउड अलीग्स, यही कहते हैं ना आप लोग। पार्टनर्स आपके इस गर्व की वजह भी है। अपने 100 वर्ष के इतिहास में एएमयू ने लाखों जीवन को तराशा है, संवारा है, एक आधुनिक और वैज्ञानिक सोच दी है। समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा जगाई है। मैं सभी के नाम लूंगा तो समय शायद बहुत कम पड़ जाएगा। एएमयू की यह पहचान, इस सम्मान का आधार उसके वो मूल्य रहे हैं जिन पर सर सैयद अहमद खान द्वारा इस संस्थान की स्थापना की गई है। ऐसे प्रत्येक छात्र छात्रा और इन 100 वर्षों में एएमयू के माध्यम से देश की सेवा करने वाले प्रत्येक टीचर प्रोफेसर का भी मैं अभिनंदन करता हूं। अभी कोरोना के इस संकट के दौरान भी एएमयू ने जिस तरह समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। हजारों लोगों का मुफ्त टेस्ट करवाना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, प्लाज्मा बैंक बनाना और पीएम केयर फंड में एक बड़ी राशि का योगदान देना समाज के प्रति आपके दायित्वों को पूरा करने की गंभीरता को दिखाता है।
अभी कुछ दिन पहले ही मुझे चांसलर डॉक्टर सैयदना साहब की चिट्ठी भी मिली है। उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव में भी हर स्तर पर सहयोग देने की बात कही है। देश को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे ही संगठित प्रयासों से आज भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सफलता से मुकाबला कर रहा है। साथियों, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेकों डिपार्टमेंट्स, दर्जनों हॉस्टेल्स, हजारों टीचर्स, प्रोफेसर्स, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो यहां संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। यहां की लाइब्रेरी में कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट है तो गीता रामायण के अनुवाद भी उतने ही सहज कर रखे गए हैं। ये विविधता एएमयू कैसे और एएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की ही सिर्फ नहीं देश की भी ताकत है। हमें इस शक्ति को न भूलना है, न ही इसे कमजोर पड़ने देना है। एएमयू के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिनों दिन मजबूत होती रहे, हमें मिलकर इसके लिए काम करना है। साथियों, बीते 100 वर्षों में एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर यहां जो रिसर्च होती है, इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है। मुझे बताया गया है कि अभी लगभग 1000 विदेशी स्टूडेंट्स हमारे यहां एएमयू में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में एएमयू की यह भी जिम्मेदारी है कि हमारे देश में जो अच्छा है, जो बेहतरीन है, जो देश की ताकत है, वो देखकर, वो सीखकर, उसकी यादें लेकर के ये छात्र अपने अपने देशों में जाएं, क्योंकि एएमयू में जो भी बातें वो सुनेंगे, देखेंगे, उसके आधार पर वो राष्ट्र के तौर पर भारत की आइडेंटिटी से जोड़ेंगे। इसलिए आपके संस्थान पर एक तरह से दोहरी जिम्मेदारी है, अपना रिस्पेक्ट बढ़ाने की और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाने की। आपको एक तरफ अपनी यूनिवर्सिटी की सॉफ्ट पावर को और निखारना है और दूसरी तरफ नेशन बिल्डिंग के अपने दायित्व को निरंतर पूरा करना है। मुझे विश्वास है एएमयू से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक छात्र छात्रा अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ेगा। मैं आपको सर सैयद द्वारा कही गई एक बात, उस बात की आज याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, अपने देश की चिंता करने वाले का पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे, भले ही लोगों की जाति, मत या मजहब कुछ भी हो। साथियों, अपनी इस बात को विस्तार देते हुए सर सैयद ने एक उदाहरण भी दिया था।
उन्होंने कहा था, जिस प्रकार मानव जीवन और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर के हर अंग का स्वस्थ रहना जरूरी है, वैसे ही देश की समृद्धि के लिए भी उसका हर स्तर पर विकास होना आवश्यक है। साथियों, आज देश भी उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव देश में हो रहे विकास का लाभ मिले। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां का प्रत्येक नागरिक संविधान से मिले अपने अधिकारों को लेकर निश्चिंत रहे, अपने भविष्य को लेकर के निश्चिंत रहे। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, सभी अपने सपने पूरे करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह मंत्र इसका मूल आधार है। देश की नीयत और नीतियों में यही संकल्प झलकता है। आज देश गरीबों के लिए जो योजनाएं बना रहा है, जो बिना किसी मत मजहब के भेद के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं, बिना किसी भेदभाव 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खुले, बिना किसी भेदभाव 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के घर दिए गए, बिना किसी भेदभाव 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला, बिना किसी भेदभाव कोरोना के इस समय में 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अन्न सुनिश्चित किया गया, बिना किसी भेदभाव आयुष्मान योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज संभव हुआ। जो देश का है वो हर देशवासी का है और इसका लाभ हर देशवासी को मिलना ही चाहिए। हमारी सरकार इसी भावना के साथ काम कर रही है। साथियों, कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही एक एल्युमनाई से हुई थी। वो एक इस्लामिक स्कॉलर भी है। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जब देश में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने तो इसका लाभ सभी को हुआ। ये शौचालय भी बिना भेदभाव ही बने थे, लेकिन एक उसका एस्पेक्ट ऐसा जिनकी उतनी चर्चा नहीं हुई है और न ही एकेडमिक वर्ल्ड का इस पर उतना ध्यान गया है। मैं चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी हर स्टूडेंट इस पर गौर करे। मेरे साथियों, एक समय था जब हमारे देश में मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप आउट रेट, शिक्षा में से ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, 70% से ज्यादा था। मुस्लिम समाज की प्रगति में बेटियों का इस तरह पढ़ाई बीच में छोड़ना हमेशा से बहुत बड़ी बाधा रहा है, लेकिन 70 साल से हमारे यहां स्थिति यही थी कि 70% से ज्यादा मुस्लिम बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी। इन्हीं स्थितियों में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ, गांव-गांव शौचालय बने, सरकार ने स्कूल जाने वाली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मिशन मोड पे अलग शौचालय बनवाए। आज देश के सामने क्या स्थिति है? पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर करीब करीब 30% रह गया है। पहले लाखों मुस्लिम बेटियां
शौचालय की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ देती थी। अब हालात बदल रहे हैं, मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप रेट कम से कम हो इसके लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी स्कूल ड्रॉपआउट छात्र छात्राओं के लिए ब्रिज कोर्स चलाया जा रहा है। और अभी मुझे एक और बात बताई गई है जो बहुत अच्छी लगी है, एएमयू में अब फीमेल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 35% हो गई है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। मुस्लिम बेटियों की शिक्षा पर, उनके सशक्तिकरण पर सरकार का बहुत ध्यान है। पिछले 6 साल में सरकार द्वारा करीब करीब 1 करोड़ मुस्लिम बेटियों को स्कॉलरशिप दी गई है। साथियों, जेंडर के आधार पर भेदभाव न हो, सबको बराबर अधिकार मिले, देश के विकास का लाभ सबको मिले, ये एएमयू की स्थापना की प्राथमिकताओं में था। आज भी एएमयू के पास ये गौरव है कि इसकी फाउंडर चांसलर की जिम्मेदारी बेगम सुल्तान ने संभाली थी। 100 साल पहले की परिस्थितियों में ये किया जाना कितना बड़ा काम था, इसका अंदाज लगाया जा सकता है। आधुनिक मुस्लिम समाज के निर्माण का जो प्रयास उस समय शुरू हुआ था, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करके देश ने आज उसे आगे बढ़ाया है। साथियों, पहले ये कहा जाता था कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। ये बात सही है, लेकिन परिवार की शिक्षा के आगे भी इसके गहरे मायने हैं। महिलाओं को शिक्षित इसलिए होना है ताकि वो अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर सके, अपना भविष्य खुद तय कर सके। एजुकेशन अपने साथ लेकर के आती है एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप अपने साथ लेकर आते हैं इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में होता है एम्पावरमेंट। एक एम्पावर्ड वुमेन का हर स्तर पर, हर फैसले में उतना ही बराबर का योगदान होता है जितना किसी और का। फिर चाहे बात परिवार को डायरेक्शन देने की हो या फिर देश को डायरेक्शन देने की। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश की अन्य शिक्षा संस्थाओं से भी कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बेटियों को शिक्षा में जोड़े और उन्हें सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि हायर एजुकेशन तक लेकर के जाएं। साथियों, एएमयू ने हायर एजुकेशन में अपने कंटेम्प्रेरी करिकुलम में उससे बहुतों को आकर्षित किया है। आपकी यूनिवर्सिटी में इंटर डिसिप्लिनरी विषय पहले से पढ़ाए जाते हैं। अगर कोई छात्र साइंस में अच्छा है और उसे हिस्ट्री भी अच्छी लगती है तो ऐसी मजबूरी क्यों हो कि वो किसी एक को ही चुन सके। यही भावना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। इसमें 21वीं सदी में भारत के स्टूडेंट्स की जरूरतों, उसके इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा गया है। हमारे देश का युवा नेशन फर्स्ट के आह्वान के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो नए नए स्टार्टअप्स के जरिए देश की चुनौतियों का समाधान निकाल रहा है। रेशनल थिंकिंग और साइंटिफिक आउटलुक उनकी पहली प्रायोरिटी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत के युवाओं की इसी एस्पिरेशंस को प्राथमिकता दी गई है। हमारी कोशिश ये भी है कि
कि भारत का एजुकेशन इकोसिस्टम दुनिया के आधुनिक शिक्षा व्यवस्थाओं में से एक बने। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो मल्टीपल एंट्री है, एग्जिट पॉइंट की व्यवस्था है, उससे स्टूडेंट्स को अपनी शिक्षा के बारे में फैसले लेने में आसानी हो गई है। हर एग्जिट ऑप्शन के बाद उन्हें एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये स्टूडेंट्स को पूरे कोर्स की फीस की चिंता किए बिना अपना फैसला लेने की आजादी होगी। साथियों, सरकार हायर एजुकेशन में नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स बढ़ाने और सीटें बढ़ाने के लिए भी लगातार काम कर रही है। वर्ष 2014 में हमारे देश में 16 IITs थी, 16, आज 23 IITs हैं, 23। वर्ष 2014 में हमारे देश में 9 IIITs थी, 9 IIITs थी, आज 25 IIITs हैं। वर्ष 2014 में हमारे यहां 13 IIMs थे, आज 20 IIMs हैं। मेडिकल एजुकेशन को लेकर भी बहुत काम किया गया है। 6 साल पहले तक देश में सिर्फ 7 एम्स थे, आज देश में 22 एम्स हैं। शिक्षा चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, सभी तक पहुंचे, बराबरी से पहुंचे, सभी का जीवन बदले, हम इसी लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, एएमयू के 100 साल पूरे होने पर मेरी आप सभी युवा पार्टनर्स से कुछ और अपेक्षाएं भी हैं। क्यों ना 100 साल के इस मौके पर एएमयू के 100 हॉस्टल्स एक एक्स्ट्रा करिकुलर टास्क करें। ये टास्क देश की आजादी के 75 साल पूरे होने से जुड़े हो। जैसे एएमयू के पास इतना बड़ा इनोवेटिव और रिसर्च ओरिएंटेड टैलेंट है, क्यों न हॉस्टल के छात्र ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों पर रिसर्च करके उनके जीवन को देश के सामने लाए जिनके बारे में अभी उतनी जानकारी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स इन महापुरुषों के जन्मस्थान जाए, उनकी कर्मभूमि जाए, उनके परिवार के लोग अब कहां हैं उनसे संपर्क करें। कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन रिसोर्स को एक्सप्लोर करें। उदाहरण के तौर पर 75 हॉस्टल्स, एक एक आदिवासी फ्रीडम फाइटर पर एक एक रिसर्च डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। इसी तरह 25 हॉस्टल्स महिला फ्रीडम फाइटर्स पर रिसर्च कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। एक और काम है जो देश के लिए एएमयू के छात्र छात्राएं कर सकते हैं। एएमयू के पास देश की इतनी बेशकीमती प्राचीन पांडुलिपियां है, ये सब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। मैं चाहूंगा कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन्हें डिजिटल, इन्हें वर्चुअल अवतार में पूरी दुनिया के सामने लाएं। मैं एएमयू के विशाल एलुमनाई नेटवर्क को भी आह्वान करता हूं कि नए भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी और बढ़ाएं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए, वोकल फॉर लोकल को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसे लेकर अगर मुझे एएमयू से सुझाव मिले, एएमयू एलुमनाई के सुझाव मिले, तो मुझे बहुत खुशी होगी। साथियों, आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पर है। जिस सदी को भारत की सदी बताया जा रहा है, उस लक्ष्य की तरफ भारत कैसे आगे बढ़ता है, इसे लेकर
पूरी दुनिया में क्यूरियोसिटी है, इसलिए आज हम सभी का एकमात्र और एकनिष्ठ लक्ष्य ये होना चाहिए कि भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, हम कहां और किस परिवार में पैदे हुए, किस मत मजहब में बड़े हुए, इससे भी अहम ये हैं कि हर एक नागरिक की आकांक्षाएं और उसके प्रयास देश की आकांक्षाओं से कैसे जुड़े। जब इसको लेकर एक मजबूत नींव पड़ेगी तो लक्ष्य तक पहुंचना और आसान हो जाएगा। साथियों, समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए। जब आप सभी युवा साथी इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो हम मिलकर के हासिल न कर सके। शिक्षा हो, आर्थिक विकास हो, बेहतर रहन सहन हो, अवसर हो, महिलाओं का हक हो, सुरक्षा हो, राष्ट्रवाद हो, ये जो चीजें हैं जो हर नागरिक के लिए जरूरी होती है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम अपनी राजनीतिक या वैचारिक मजबूरियों के नाम पर असहमत हो ही नहीं सकते। यहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन मुद्दों पर बात करना मेरे लिए इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि यहां से स्वतंत्रता के अनेक सेनानी निकले हैं, इस मिट्टी से निकले हैं। इन स्वतंत्रता सेनानियों की भी अपनी पारिवारिक, सामाजिक, वैचारिक परवरिश थी, अपने अपने विचार थे, लेकिन जब गुलामी से मुक्ति की बात आई तो सारे विचार आजादी के एक लक्ष्य के साथ ही जुड़ गए। साथियों, हमारे पूर्वजों ने जो आजादी के लिए किया वही काम अब आपको, युवा पीढ़ी को नए भारत के निर्माण के लिए करना है। जैसे आजादी एक कॉमन ग्राउंड थी, वैसे ही नए भारत के लिए हमें एक कॉमन ग्राउंड पर काम करना है। नया भारत आत्मनिर्भर होगा, हर प्रकार से संपन्न होगा, तो लाभ भी सभी 130 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा। ये विमर्श समाज के हर हिस्से तक पहुंचे, ये काम आप कर सकते हैं, युवा साथी कर सकते हैं। साथियों, हमें यह समझना होगा कि सियासत सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन सोसाइटी में सियासत के अलावा भी दूसरे मसले हैं। सियासत और सत्ता की सोच से बहुत बड़ा, बहुत व्यापक किसी भी देश का समाज होता है। पॉलिटिक्स के ऊपर भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत स्पेस होती है, उस स्पेस को भी एक्सप्लोर करते रहना बहुत जरूरी है। ये काम हमारे एएमयू जैसे कैंपस कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं। साथियों, न्यू इंडिया के विजन की जब हम बात करते हैं तो उसके मूल में भी यही है कि राष्ट्र के, समाज के विकास को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। हां, जब हम इस बड़े उद्देश्य के लिए साथ आते हैं तो संभव है कि कुछ तत्व इससे परेशान हो। ऐसे तत्व दुनिया की हर सोसाइटी में मिल जाएंगे। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अपने स्वार्थ होते हैं, वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हर हथकंडा अपनाएंगे, हर प्रकार की नेगेटिविटी फैलाएंगे, लेकिन जब हमारे मन और मस्तिष्क में नए भारत का निर्माण सर्वोच्च होगा तो ऐसे लोगों का स्पेस अपने आप में सिकुड़ता जाएगा।
साथियों, पॉलिटिक्स इंतजार कर सकती है, सोसाइटी इंतजार कर सकती है, देश का डेवलपमेंट का इंतजार नहीं कर सकता। गरीब समाज के किसी भी वर्ग का हो वो इंतजार नहीं कर सकता। महिलाएं, वंचित, पीड़ित, शोषित विकास का इंतजार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, हमारे युवा, आप सभी और इंतजार नहीं करना चाहेंगे। पिछली शताब्दी में मतभेदों के नाम पर बहुत वक्त पहले ही जाया हो चुका है। अब वक्त नहीं गंवाना है, सभी को एक लक्ष्य मिलकर, एक लक्ष्य के साथ मिलकर नया भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। साथियों, 100 साल पहले 1920 में जो युवा थे उन्हें देश की आजादी के लिए संघर्ष करने का, खुद को समर्पित करने का, बलिदान देने का अवसर मिला था। उस पीढ़ी के तप और त्याग से देश को 1947 में आजादी मिली थी। आपके पास, आज की पीढ़ी के पास आत्मनिर्भर भारत, नए भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करने का अवसर है। वो समय था 1920 का, ये समय है 2020 का। 1920 के 27 साल के बाद देश आजाद हुआ था, 2020 के 27 साल बाद, जो कि अगले 27 साल 2020 से 2047 आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण साल है। वर्ष 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, आप उस ऐतिहासिक समय के भी साक्षी बनेंगे। इतना ही नहीं, इन 27 साल में आधुनिक भारत बनाने के आप हिस्सेदार होंगे। आपको हर पल देश के लिए सोचना है, अपने हर फैसले में देश हित सोचना है, आपका हर निर्णय देश हित को आधार बनाते हुए ही होना चाहिए। मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत के सपनों को पूरा करेंगे। हम सब मिलकर देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। आप सभी को एएमयू के 100 वर्ष होने पर फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इन 100 साल में जिन जिन महापुरुषों ने इस संस्थान की गरिमा को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास किया है, आज उनका भी पुण्य स्मरण करता हूं, उन सबका भी आदर करता हूं। और फिर एक बार आज के इस पवित्र अवसर से भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। विश्व भर में फैले हुए अलुमनाई को भी मैं उत्तम स्वास्थ्य के लिए एक शुभकामना करता हूं, उनके उत्तम भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं करता हूं, और एएमयू के भी उत्तम भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सरकार आपकी प्रगति के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए हम भी कभी पीछे नहीं रहेंगे। इसी एक विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।